हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? मेरे ख्याल से आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ममता डिजाइनर यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लहंगा, वो भी मगजी वाला। तो देखिए फ्रेंड्स, नीचे मगजी बोल सकते हैं या नीचे 2 इंच की पट्टी। तो ये फ्रेंड्स पानी वाला लहंगा है, ये बहुत ज़्यादा चल रहा है अभी लेटेस्ट में। और तो फ्रेंड्स, इसमें ऐसे कलर के फूल है, तो मैं देखिए इस तरीके की पट्टी रखूंगी। चाहे आप कोई से भी कलर की पट्टी रख सकते हैं, आप जैसे फीस चुनेंगे। फ्रेंड्स, ये 4 मीटर लहंगा है, और अब ये पानी वाला लहंगा है, तो मैंने इसे इस तरीके से डबल फोल्ड करके किनोर वाले हिस्से से और पिनअप कर दिया है इस तरीके से, ताकि ये इधर उधर नहीं फिसले। तो फ्रेंड्स देखिए, अब लंबाई थी फ्रेंड्स 36 इंच और मोटाई है 36 इंच। तो फ्रेंड्स, अपन लेंगे लंबाई में 2 इंच के नीचे पट्टी रखेंगे, तो अपन लंबाई में से 2 इंच माइनस कर लेंगे। तो ये 36 इंच की लंबाई है, तो उसमें 2 इंच माइनस करेंगे, तो ये रह जाएगा अपना 34 इंच, क्योंकि नीचे 2 इंच की पीले कलर की मैं इसमें पट्टी लगाऊंगी। तो इससे बहुत प्यारा लुक आता है लहंगे में और बहुत शानदार लगता है ये पानी वाला लहंगा। तो नीचे मैं 2 इंच की पट्टी लगाऊंगी, इसलिए मैंने 2 इंच माइनस कर दिया है, और 1 इंच सिलाई में जाएगा, इसके बदले में अपना 1 इंच का नेफा लग जाएगा फ्रेंड्स। तो इसमें कुछ भी ज़्यादा फेर बदल नहीं करना, आपको सिर्फ 2 इंच माइनस कर देना है। आप जितने इंच की पट्टी लगाओगे, इस हिसाब से माइनस कर देना है। अब ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं 34 इंच ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स, 34 इंच के हिसाब से अपन को इसमें पैने बना लेने हैं, कि कितने पैने बनते हैं, तो उस हिसाब से अपन पैने बनाएंगे। तो एक पैना निकल गया है अपना, देखिए। तो फ्रेंड्स, इसमें देखिए 4 पैने निकल आए अपना, 1, 2, 3 और 4। 4 पैने निकल गए, इसके बाद भी अपना ये कपड़ा बच गया है, क्योंकि इसमें 2 इंच माइनस कर दिया था, इसकी वजह से ये कपड़ा बच गया है। नहीं तो पैने में से अपन को नेफा निकालना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये कपड़ा जो निकला है, उसमें से ही अपन नेफा निकालेंगे और नाड़ा निकाल लेंगे। तो अपन इसको कर देंगे इस तरीके से डबल, क्योंकि नेफा अपन को डबल लगाना है, ताकि लगाने में भी आसानी रहे और बहुत लॉन्ग टाइम भी चलता है, जल्दी से फटता भी नहीं है। इस तरीके से मैंने कपड़े को डबल कर दिया है, और डबल करके अपन को 3.25 इंच ले लेना है। तो ये देखिए, इस तरीके से भी डबल है और ऐसे भी डबल है। तो अपन इसमें मोटाई ले लेंगे। मोटाई है नेफे की 36 इंच, तो 36 इंच का हो गया आधा, हाफ 18, और 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, यानी कि 19। 19 भी इसको कट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, पहने अपन ये कंप्लीट हो गए हैं, नाड़ा भी निकाल लिया है, अपन ने नेफा भी निकाल लिया है। अब अपन निकालेंगे नीचे की पट्टी। तो देखिए, मैंने येलो कलर चूज किया है, आप जैसा फैब्रिक लेंगे उसमें लुक आता है, उस हिसाब से आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने ये लिया है 1 मीटर 4 मीटर लहंगे में, 1 मीटर 5 मिनट में भी 1 मीटर कपड़ा लगेगा। तो फ्रेंड्स, मैंने ये 1 मीटर लेके आई हूँ नीचे पट्टी के लिए। और इसे मैंने किनोर साइड डबल कर लिया है इस तरीके से, और डबल करके मैं देखिए दो दो पट्टी एक साथ निकालूंगी। पहले भी मैंने ये लहंगा इस तरीके से बताया हुआ है, पर उसमें मैंने जो मगजी लगाई है, नीचे पट्टी लगाई है, वो उरे भी कट करके लगाई है। इसमें मैं सीधी पट्टी लगाऊंगी। मेरे को फ्रेंड्स ने बोला था कि मैम, आप सीधी पट्टी लगा के बताइए हमें, उरे भी हमें टिपिकल लग रही है। तो फ्रेंड्स, इस लहंगे में मैं उरे भी कट करके नहीं बता रही हूँ, मैं सीधी पट्टी लगाना बता रही हूँ, तो आपको और भी आसान लगेगा। तो ये देखिए, मैंने इसे डबल कर लिया है, यानी कि अपन को नीचे 2 इंच की पट्टी रखनी है। तो 2 इंच की पट्टी रखेंगे, तो अपन लेंगे 2.5 इंच मिनिमम। तो ये देखिए, मैंने 2.5 इंच की पट्टी ले ली है, डबल करने पर आधा इंच सिलाई में जाएगा अपना।
चार पट्टी निकाल ली है और अपने ये कपड़ा भी बच गया है। 4 मीटर में एक एक मीटर की चार पट्टियां निकाल ली है, नीचे 4 मीटर का घेरा जाएगा, 4 मीटर का ही लहंगा है अपना। और देखिए फ्रेंड्स, अपनी ये पट्टी बच भी गई है, ये कपड़ा अपना बच भी गया है। तो ये 1 मीटर कपड़ा 6 मीटर तक के लहंगे में आराम से आ जाएगा फ्रेंड्स। 5 मीटर बना रहे हो तो 5 मीटर में, 6 मीटर बना रहे हो तो 6 मीटर में आराम से आ जाएगा। तो आपको घबराने वाली बात नहीं है कि नीचे हम पट्टी के लिए कितना कपड़ा लाएं। तो आप देखिए 1 मीटर कपड़ा ले लीजिए, 6 मीटर तक के लहंगे में आराम से आ जाएगा फ्रेंड्स। तो देखिए अपने लहंगे की कटिंग एकदम कंप्लीट हो गई है फ्रेंड्स। और अब अपन इनको साइड में रखेंगे और इस तरीके से अपन पैने जोड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, अक्सर आपको पैने जोड़ना तो आता ही होगा, फिर भी फ्रेंड्स मैं आपको बता ही देती हूँ कि पैने किस तरीके से जोड़ना है। अपन ने लंबाई इस साइड रखी है किनोर वाली साइड, तो अपन को किनोर साइड ही पैने जोड़ना है, यानी कि एक में दूसरे जोड़ते चलना है। इस तरीके से देखिए ये पिनों को हटा लेना है सिंगल करके फ्रेंड्स, और पूरे पैने जोड़ लेने हैं। ये देखिए, तो फ्रेंड्स ये देखिए इस तरीके से पैने जोड़ना है अपन को। ये सीधा वाला भाग है तो सीधे से सीधा मिलाया, और लंबाई से सिरे से अपन को इस तरीके से जॉइंट कर देना है। इसी तरह अपन को चारों पैनों को जोड़ लेना है, और उसके बाद अपन लगाएंगे नेफा। तो फ्रेंड्स मैंने इस तरीके से पूरे पैने जॉइंट कर लिए हैं, देखिए चारों पैने मैंने जॉइंट कर लिए अच्छे से। ये देखिए मैंने जैसे आपको बताया था लंबाई के सिरे से, तो मैंने ये पूरे पैने जॉइंट कर लिए हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैंने नेफा को भी ये डबल कटिंग किया था, तो मैंने दोनों साइड पलट के और इसको भी कच्चा कर लिया है, ताकि ये इधर उधर फिसले नहीं और लगाने में आसानी रहे। तो फ्रेंड्स वहाँ पे चार पैने पड़े हैं अपने, तो मैं इसके भी चार भाग कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से इसको चार लेयर में कर लेंगे ऐसे, और इसमें कट का निशान लगा देंगे फ्रेंड्स। ये देखिए यहाँ पे इसका कट का निशान लगा देंगे। कट के निशान लगा लिए हैं, लगाने के बाद अपन नेफा लगाएंगे। तो नेफा कैसे लगाएंगे फ्रेंड्स मैं आपको बता देती हूँ। चार पैने पड़े थे तो मैंने यहाँ पे भी चार कट के निशान लगा लिए हैं बराबर से। ये देखिए फ्रेंड्स, 1, 2, 3 और 4, इस तरीके से चार भाग हो गए इसके, और चार अपने पैने हो गए। तो अपन को क्या करना है, एक भाग की प्लेट इस एक भाग में भरनी है, यानी कि एक पैने की प्लेट इतने एक भाग में भरनी है फ्रेंड्स। तो अपन भरते हैं फ्रेंड्स। तो मैंने क्या किया है, दोनों साइड ये देखिए इस तरीके से पलट लिया है, जो बोलते हैं देसी भाषा में छीका बनाने के लिए, या वो गैप छोड़ते हैं इसके लिए। तो मैं तो फ्रेंड्स जो नेफा है उसके ऊपर मैंने पहने को इस तरीके से रखा है, ये उल्टा है और इसकी साइड सीधा है। तो इस तरीके से रखना है आपको। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक भाग में एक पहने की प्लेट डाल ली है इस तरीके से। अब ये दूसरा भाग है, यहाँ तक ये कट दिख रही होगी आपको, उसमें अपन को दूसरे पहने की प्लेट डालनी है। इस तरीके से अपन को चारों पहने की प्लेट्स चारों भागों में डाल लेनी है। तो फ्रेंड्स फाइनली मैंने चारों पहनों की प्लेट्स इन चारों भागों में मैंने डाल ली है। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए फ्रेंड्स। अब अपन को करना क्या है फ्रेंड्स, आगे मैंने डबल नेफा इसलिए लिया है ताकि अपन को इस तरीके से पलट के और ऐसे कर करके नेफा नहीं लगाना पड़े, अपन को डायरेक्टली ऐसे पलटना पड़े, ताकि इसमें बिल्कुल भी बल नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स मैं इस तरीके से बता रही हूँ कि ताकि आपको लगाने में बहुत आसानी हो और नेफे में बिल्कुल भी बल नहीं आए। तो फ्रेंड्स मेरा तरीका आप यूज करोगे तो आपको बहुत आसानी लगेगी। तो इस तरीके से देखिए फोल्ड करते हैं अपन और फिर लगाते हैं, तो इसमें बल आ जाता है। और इस तरीके से लगाओगे आप डबल में तो बिल्कुल भी बल नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स मैं ऐसे कैसे इसको फोल्ड कर देती हूँ, ये सीधा भाग की तरफ अपना आया है। ये देखिए, और फ्रेंड्स मैं इसमें ये लेस लगा रही हूँ, बहुत प्यारी लगेगी इससे ये।
तो ये देखिए गाइज, अपना नेफा लग चुका है और इसमें बिल्कुल भी बल नहीं आया है, ये देख सकते हो आप। ये देखिए, आप इस तरह भी पटक लो, बिल्कुल भी बल नहीं आया है। आपको इसी तरह नेफा लगाना है फ्रेंड्स। ये देखिए, तो फ्रेंड्स नेफा लगाने के बाद अपन ने जो पट्टियाँ ली थी, चार पांच कटिंग करी थी, उनको मैंने इस तरीके से ज्वाइंट कर लिया है। देखो, सीधे तरीके से ज्वाइंट करना था उनको, मैंने ज्वाइंट कर लिया है। और ज्वाइंट करने के बाद मैंने इनको डबल करके प्रेस मार लिए है। तो देखिए, आपका समय बर्बाद नहीं हो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रही हूँ, ताकि आपको बोरिंग नहीं लगे। तो मैंने इस तरीके से मैंने प्रेस कर लिया है, और प्रेस करने के बाद अपन लगाएंगे इसमें मगजी। तो देखिए, मैंने मगजी की जगह इसमें समोसा लेस यूज करी है फ्रेंड्स। इसमें समोसा लेस का लुक आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, इसलिए मैंने इसमें पाइपिंग की जगह ये समोसा लेस यूज करी है। तो इस तरीके से अपन समोसा लेस को आधा इंच का गैप छोड़ के और यहाँ पे अटैच कर देंगे। ऐसे 2 इंच का गैप छोड़ देना है फ्रेंड अपन को, और उसके बाद इसको इस तरीके से अटैच करना है। और अटैच करके फिर अपन इसमें लहंगे को ज्वाइंट कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस समोसा वाली लेस को इस तरीके से पूरे में अटैच कर लिया है। ऐसे पहले कच्चा कर लिया है पूरे में। तो फ्रेंड्स, अब अपन लगाएंगे कैसे इसको, मैं आपको बता देती हूँ। ऊपर की साइड अपन ने नेफा लगा लिया है, अब नीचे का हिस्सा जो है उसमें अपन को ऐसे लगाना है। आधा इंच अंदर की साइड दबाया फ्रेंड्स, अच्छे से समझना, आधा इंच अंदर की साइड दबाया और ऐसे लगाना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से ऐसे। तो गाइज, अपन को इस तरीके से लगाते हुए पूरी लेस को मगजी को अटैच कर देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये नीचे की साइड अपनी पट्टी हो गई है और ये अपनी कंगूरा वाली मगजी निकल के आ गई है। इस तरीके से लगाएंगे फ्रेंड्स अपन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए गाइज, फाइनली अपना बहुत प्यारा लहंगा बन के एकदम से तैयार हो गया है। देखिए, ये डेली वियर मगजी वाला लहंगा कितना प्यारा लग रहा है। तो आप भी बनाकर इसे ट्राई करिएगा। ये देखिए, बहुत प्यारा लग रहा है फ्रेंड्स। देखिए मेरी नाल